चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को उनके पद से हटाने के खिलाफ कांग्रेस ने नए सिरे से कोशिश शुरू की है। हालांकि पूरे मामले में खुद कांग्रेस में भी एक राय नहीं है। देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और आनंद शर्मा के दस्तखत नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर मनमोहन सिंह से बातचीत नहीं हो पाई है। कोई भी अगर निर्णय लेता है तो बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि एक संविधान की बात हो रही है और एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। हमने जान के डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्वॉल्व नहीं किया। कांग्रेस की अगुवाई में सात विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें जस्टिस मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस सौंपा। महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर 64 सांसदों और हाल ही में रिटायर हुए सात पूर्व सांसदों ने दस्तखत किए हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को डीएमके और टीएमसी का समर्थन हासिल नहीं है। अब राज्यसभा सचिवालय विपक्ष के नोटिस की जांच करेगा। जांच के बाद नोटिस को स्वीकार करने या खारिज करने का फैसला होगा। हालांकि बीजेपी ने इस नोटिस को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो महाभियोग का नोटिस दिया है, ये चेष्टा नहीं करना चाहिए। इससे लोकतंत्र का, उच्चतम न्यायालय का जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंचेगी।